गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष एंड नाउ फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब एज वेल एज फ्रॉम अन अकेडमी। ओके, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ अन अकेडमी का, क्योंकि आज मेरी फर्स्ट लाइव क्लास थी अन अकेडमी पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे मन में अन अकेडमी ज्वाइन करने का ऐसा कोई भी विचार नहीं था, लेकिन एक स्टूडेंट है इलाहाबाद का, नीलेश कुमार सिंह, उस बच्चे ने सबसे पहले एक तरह से मेरे को इंस्पायर किया कि मैं अन अकेडमी ज्वाइन कर लूँ, मैं बेहतर होगा। फिर उससे इंस्पिरेशन मैंने लिया और फिर वो बच्चा मेरे से आधे आधे घंटे 15-15 मिनट बाद रेगुलर बात करता था, मेरे से इंस्पायर करने की कोशिश करता था। फिर मैंने तय किया कि हाँ ठीक है, मैं भी ज्वाइन करता हूँ। संजोग से कोरोना वाला सारा मैटर चल रहा था और फिर एक दिन हम और सचिन ने बैठ करके तय किया कि इसको हम अन अकेडमी को अपनी वीडियो 3 मिनट की जो थी ऑडियो के रूप में वो भेजते हैं। लेकिन इसको करने में भी महीनों लग गए बच्चों, 1.5-2 महीने मुझे लगता है बीत गए और मेरी लापरवाही ऐसी रही कि ऑडियो में रिकॉर्ड करके नहीं भेज पाया, क्योंकि मेरी क्लासेस थी सारी एडिटोरियल की और भी बैचेस थे मेरे। एनी हाउ, फिर हमने ऑडियो 3 मिनट का सेट किया और नीलेश ने बताया था कि ये होगा कि 3-4-5 बार वो रिजेक्ट करेंगे, लेकिन आप बार बार 3-4-5 बार अपना बना लीजिएगा और भेजने की कोशिश करिएगा। लेकिन भाग्य देखे कि पहले अटेम्प्ट में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने ये जो आपका राउंड है वो आपने एक तरह से क्वालिफाई कर लिया है। फिर हुआ कि अब आपको वीडियो बना करके देनी होगी, ऑडियो नहीं, आपको वीडियो बना के देनी होगी। 9 से 15 मिनट के आपको क्या करने होंगे, 5 वीडियोस आपको बनाने होंगे 5 टॉपिक्स पर, यानी 5 अलग अलग पार्ट्स में एक टॉपिक को बांट करके आपको बनाना होगा। फिर वहां भी हुआ कि वो इधर उधर करेंगे और फाइनल नहीं हो पाएगा जल्दी, समय लगेगा। नहीं, वहां भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्या हो गया, फाइनल हो गया और उनका कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है। फिर उसमें डिले होता गया क्योंकि मेरी क्लास फाइनल नहीं हो पा रही थी। फिर 13 जुलाई को मैंने क्लास अपनी शेड्यूल कर ली और मैंने सारे बच्चों को बता दिया कि 13 जुलाई को दोपहर 12 बजे शायद, नहीं 2 बजे शायद, 2 बजे मेरी क्लास रहेगी। फिर पता चला कि मेरी जो टी शर्ट है वो टी शर्ट नहीं आई है अन अकेडमी की और बिना टी शर्ट के मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो फिर वो कैंसिल हो गया। फिर 24 तारीख को मैंने रखी, क्योंकि फसीह सर जो थे, जो इसके देख रहे थे सब कुछ मेरा अन अकेडमी की तरफ से, उन्होंने कहा कि आपको हम भिजवा दे रहे हैं। और फिर 24 से पहले वो आ गया। फिर 24 को ये हुआ कि आपकी क्लास जो है वो 24 तारीख को रहेगी, मतलब मैंने अपना शेड्यूल कर लिया 24 तारीख को मेरी क्लास रहेगी। फिर मैंने बच्चों को बता दिया कि 24 को मेरी क्लास है, फिर बच्चे तैयार हो गए। और फिर पता चला कि वो क्लास आप, यानी मैं नहीं डिसाइड कर सकता हूँ, ये अन अकेडमी में मेरे जो RM है, रिलेशनशिप मैनेजर, वो तय करेंगे मेरी क्लास कब होगी। फिर उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, अपनी सारी फोटोज वगैरह आप दीजिए और फिर हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे और फिर उसके बाद आपकी क्लास हम तय करेंगे कि आपकी क्लास कब रहेगी, कैसे रहेगी। फिर मैंने अपनी पिक दी उनको, फिर वो पिक रिजेक्ट कर दी गई, नहीं चलेगी। फिर मैंने दूसरी पिक दी 1-2-3 दिन बाद। फिर वो 12 दिन बाद मुझे बताया गया कि वो पिक आपकी प्रोसेस नहीं हो पाई, आप फिर से पिक दीजिए। फिर मैंने पिक दी 3री और तब जाके फिर किसी तरह वो फाइनल हुआ, यहाँ प्रोसेस्ड हो गई है। और फिर मुझसे पूछा गया कि अब आप क्लास कब रखना चाहते हैं, और फिर मैंने बताया कि 9th ऑफ अगस्त, यानी 9 अगस्त को मैं अपनी क्लास फला समय पे शाम 6 बजे संडे को रखना चाहता हूँ, ताकि बच्चे फ्री रहें और मैं उन्हें आराम से बता सकूं मैं। और फिर आज वो समय आ गया बच्चों। इसके पहले आप मेरी उलझन, मेरा एम्बेरसमेंट समझ सकते हैं, दिल की धड़कने बढ़ जा रही थी क्या होगा कैसे होगा। और फिर वो 5:50 का समय आ गया जब उन्होंने कहा था 10 मिनट पहले आपको लाइव सेशन जो है ओपन करके दे दिया जाएगा सब कुछ सेट करने के लिए। और फिर मेरे सामने लैपटॉप पे मैंने सब कुछ खोल लिया, और फिर जब मैंने खोला उसके बाद मैंने देखा कि कैमरा जो है वो एक्सेस से नहीं ले रहा। अभी धड़कन बढ़ती गई बच्चों, धड़कन बढ़ती गई कि अब ये मैं फंस गया। फिर मैं नर्वस होने लगा, फिर मैंने सचिन को एनी डेस्क पे लिया, फिर उन्होंने देखा और फिर करते करते करेक्ट 6 बजे हम लोग फाइनली कैमरे को एक्सेस ले लिया था और फिर हम लोग लाइव। फिर वहाँ पे भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, चूँकि जो पोर्टल है वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफरेंट है, तो वहाँ पे पोल सिस्टम जो है
और पेन वगैरह का सिस्टम जो है थोड़ा सा मुझे समझना पड़ेगा, लेकिन जो भी हो बच्चों, आप बच्चों का जो सपोर्ट रहा ना वो सबसे अच्छा रहा, क्योंकि एक टीचर क्या चाहते हैं, बच्चों का सपोर्ट। अभी मैं कुछ देर पहले एक टीचर का ऐसे ही मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि जब मैं पहली अपनी क्लास ले रहा था तो मुझे 1, 2, 3, 4 मिनट तक मुझे वेट करना पड़ा, अब बच्चा कोई आएगा, अब कोई बच्चा आएगा। तो फिर इस मामले में मैं भाग्यशाली हूँ ना कि आप बहुत सारे बच्चों का मेरे को सपोर्ट मिलता है, मिलता रहा है, आगे भी आप देते रहेंगे, मुझे विश्वास है। बट ईश्वर करे जल्दी से जल्दी आप सफल होते रहें और दूसरे बच्चे मेरे को सपोर्ट करें, आप सफल हो जाएं बच्चों, ठीक है। आप दूसरे बच्चों को बताएं कि हाँ संतोष सर को सपोर्ट करिए, अनअकैडमी पे आप क्या कर लें उनके फॉलो कर लीजिए, और आप जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके सफल होकर अपने माता पिता की अपेक्षाओं पर खरा उतरिए। तो एनी हाउ बच्चों, आज का जो सेशन रहा वो बहुत बढ़िया रहा। कुछ दिक्कतें आती हैं, जब भी आप कोई बड़ा कार्य करने जाते हैं यू विल हैव टू फेस अ नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें ऐसे आपको फेस करनी होती जो आपको एक ऑब्स्टिकल की तरह काम करते हैं। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक ऐसा पोर्टल है जो बिल्कुल व्हाट कहें कि फ्रेंडली है, बिल्कुल कि आपको अच्छा लगेगा इन पढ़ाते हुए, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये चीज इस तरीके से है। और एक चीज आपने महसूस किया होगा कि कहीं भी डिले नहीं था, फ्रिक्वेंसी का कोई डिले नहीं था, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ और बिल्कुल माइक्रो सेकेंड के डिफरेंस पे वो चीज़ आपके सामने है। ये चीज़ सबसे बढ़िया है। यूट्यूब पे क्या होता है ना, 15-15 सेकेंड, 20-20 सेकेंड वेट करना पड़ता है कि मैं बोल लिया अब आप तक वो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा है कि तुरंत आप मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, तुरंत जवाब दे सकते हैं इमोजीज के थ्रू या लिख करके जैसे भी। हाँ एक चीज़ बस है, कुछ बच्चों को कमेंट बॉक्स शायद थोड़ा सा राश नहीं आया होगा क्योंकि यूट्यूब पे जो जिस तरीके का सिस्टम होता है वैसा है नहीं, लेकिन यहाँ और भी कुछ चीजें बेहतर है जो चीजें धीरे धीरे आपको अच्छी लगे, ठीक बच्चों। जरूर बताइएगा जिन बच्चों ने देखा आज की क्लास ली मेरी, उनका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। हमेशा खुश रहें बच्चों और इसी तरीके से अपने सपोर्ट को बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।